तो इधर देखिए, इधर हमारा चिकन आ चुका और इतना ज्यादा फ्रेश चिकन। चिकन को कितने देर तक फ्राई कीजिएगा? ये 5 से 7 से 8 मिनट होने दादा। 7 से 8 मिनट तक चिकन प्याज के साथ फ्राई होगा, उसके बाद मसाला डालिएगा। 80 रुपीज में अगर इसका डबल क्वांटिटी मिलता है इस एम्बियंस के साथ, खुले में आराम से बैठिए, पीछे का लुक देखिए, एकदम गांव वाला फील आएगा, शांतिपूर्ण जगह है। प्लान था कि बस 2 पीस खा के टेस्ट बताना, बट इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि पूरा चिकन खा गया। तो फाइनली डिनर का टाइम हो गया है। बिहार शरीफ से हम लोग वापस पटना जा रहे थे और बख्तियारपुर मंझौली एक जगह है, यहीं पर है सुदामा होटल। एड्रेस भी देखिए लिखा हुआ है मंझौली बख्तियारपुर। तो यहीं पर रुक के कुछ देहाती स्टाइल का चिकन बनवाएंगे और बिल्कुल फ्रेश चिकन बनता है, कुछ पहले से बन के रखा नहीं रहता है। जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं, अभी ऑर्डर दिए हैं, बिल्कुल फ्रेश चिकन मंगवाया जाएगा और फ्रेश चिकन बनाया जाएगा और उसे हम लोग खाने वाले हैं। तो सीधे अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है यहाँ का चिकन, क्या रेट है। तो इधर देखिए, इधर हमारा चिकन आ चुका और इतना ज़्यादा फ्रेश चिकन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये लोग बिल्कुल फ्रेश चिकन पकड़ के लाए हैं और अब इसे कट किया जाएगा और फिर बनाया जाएगा। तो आपको ले चलते हैं और आज सारा प्रोसीजर दिखाते हैं। इधर देखिए, प्याज वगैरह काटा जा रहा है और बिल्कुल पिकनिक वाला आपको माहौल मिलेगा। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, सब कुछ फ्रेश किया जाता है, चिकन फ्रेश मंगवाया गया, फ्रेश प्याज काटा जाएगा और फिर चिकन को बनाया जाएगा। गांव वाला आपको माहौल मिलने वाला। इधर देखिए, थोड़ा रात हो गया इसलिए अंधेरा ऐसा लग रहा है, एकदम गांव वाला माहौल, शांतिपूर्ण जगह, सन्नाटा है और आराम से आइए, बैठ के खटिया पे बैठना है, टेबल चेयर पर बैठना है, जहाँ बैठना है बैठकर खाने का मज़ा लीजिए। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, अब चिकन बनने का प्रोसीजर शुरू होगा, बनवाते हैं और देखा जाए कि चिकन बनता कैसा है। इधर देखिए, कोयले के आंच पर हमारा कढ़ाई सेट हो चुका है, सरसों तेल डल चुका है और अब डल रहा है लहसुन। अच्छा, खड़ा लहसुन डलता है एकदम इसमें? खड़ा लहसुन। अब क्या, इसके बाद क्या कीजिएगा? इसके बाद हमको सूखा मिर्चा डालना है, जीरा डालना है। अभी अभी आपको दिखाते हैं इनका मसाला। इधर देखिए, सब कुछ रेडी है। क्या क्या इसमें क्या करके बताइए, क्या क्या है इसमें? हरा मिर्चा है, हल्की है, धनिया है, जीरा, खड़ा गरम मसाला है, सूखा मिर्चा है, लहसुन है। अच्छा, इस तरह का फोड़न लगाने के लिए रेडी है। और चलिए फिर नेक्स्ट इसको डालना है। अब ये डालना है, उसके बाद वहाँ प्याज कटा हुआ बात। और इधर इनका प्याज कट चुका है, तो सबसे पहले फोड़न लगेगा, फिर प्याज डलेगा। चलिए, ये गया खड़ा, हरी मिर्च, अदरक और क्या क्या बताए थे? लाल मिर्च और क्या था? गोलकी, गोलकी, जीरा, धनिया, सूखा मिर्चा, लहसुन, सब खड़ा खड़ा गया, खड़ा गरम मसाला। नेक्स्ट डल रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट, एकदम देसी स्वाद आज लगता है कि आने वाला है। कोयले के आंच पर सब कुछ बनाया जा रहा है और एकदम फ्रेश। कितना चिकन बना रहे हैं अभी? कितना लाए थे भैया? एक मुर्गा। एक चिकन मतलब 800 ग्राम के अप्रॉक्स का है, तो आधा किलो मीट होगा लगभग, लगभग आधा किलो मीट बन रहा है। अगर हमारा चिकन कट चुका है और मसाला, ये प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है, अब नेक्स्ट इस प्याज में जाने वाला है चिकन। चिकन को कितने देर तक फ्राई कीजिएगा? ये 5 से 7 से 8 मिनट होने दादा। 7 से 8 मिनट तक चिकन प्याज के साथ फ्राई होगा, उसके बाद मसाला डालिएगा। तो चिकन को फ्राई होने देते हैं हम लोग, एक बार जब चिकन फ्राई हो जाए फिर मसाला डाला जाएगा, फिर मिलते हैं। तो लगभग 10 मिनट हो चुका है, चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसमें मसाला डालेगा। अब इसमें मसाला डालेगा, सबसे पहले डाला है हल्दी पाउडर। अच्छा, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा, ये कौन सा, वो कश्मीरी मिर्च है या रेड चिली है? अच्छा, नॉर्मल देगी मिर्च। चिकन किंग, चिकन किंग की किचन किंग, किचन किंग, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च। कसूरी मेथी है। अच्छा, कसूरी मेथी,
सारा गरम मसाला पाउडर है। और इसको आप लोग इसी तरह से मतलब हमेशा चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि डाल के ढक के छोड़ दिए? चिकन मसाला। अच्छा, तो काफ़ी मेहनत वाला काम है इसको बनाना भी। और अगर किसी को ये खाना होगा तो मतलब प्री ऑर्डर करना पड़ता है या यहाँ आके ऑर्डर देंगे? प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी गया, और काफ़ी धुआं धुआं हो चुका है यहाँ। अच्छा, 5 से 7 मिनट में चिकन रेडी, तो बहुत ज़्यादा फास्ट बन गया ये तो। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 घंटे तक रुकना पड़ेगा, बट मुश्किल से हमको लगता है कि 30 से 40 मिनट्स में चिकन रेडी हो जाएगा। तो अगर किसी को खाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है? आपको कॉल करके पहले से ऑर्डर दे सकते हैं वो लोग? दे भी सकते हैं सर, आकर भी ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, आकर अगर ऑर्डर देते हैं तो आपको कम से कम 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा क्योंकि फ्रेश निकले सर। तो और अगर वेट कोई नहीं करना चाहते हैं तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आपको कॉल कर सकते हैं वो लोग। और क्या रेट पड़ता है चिकन का? 450 पड़ता है 1 चिकन का। अच्छा, 450 रुपीज़ है एक पूरे चिकन का जी। और चिकन का क्वांटिटी क्या होता है? अप्रॉक्स 1 kg 200 grams। अच्छा, 1 किलो 200-300 ग्राम चिकन का क्वांटिटी होता है। ये हम लोग थोड़ा कम बनवाए हैं क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं खाने वाले, बट ऐसे आप लोग जो 450 है उसमें 1 किलो 200-300 ग्राम का चिकन देते हैं। प्रॉपर एक चिकन काटते हैं हम लोग। हाँ, जिसमें 1 kg 200 ग्राम मतलब 4 लोग खा लेंगे जी, है ना? 4 लोग के लिए सफिशियंट है। अच्छा, 4 लोग खा सकते हैं 450 रुपीज़ में, तो काफ़ी मतलब इकोनॉमिकल सा रेट है। तो 10 मिनट में अब चिकन रेडी हो जाएगा जी। तो एक बार चिकन रेडी हो जाए फिर चलते हैं बाहर और जल्दी से इसे ट्राई किया जाए। और इधर देखिए, इधर हमारा इंडिया गेट का बासमती राइस बना है, इसका रेट होता है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ रेट होता है। और क्या बनाइएगा? तवा रोटी है। इधर हमारा चिकन देहाती हो चुका है तैयार और काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। जल्दी से लेकर चला जाएगा बाहर और बैठ के इसका टेस्टिंग किया जाए। इधर बन रहा है गर्मा गर्म तवा रोटी। 5 रुपये एक रोटी का रेट होता है, आप आके रोटी भी खा सकते हैं, राइस भी खा सकते हैं। 50 रुपीज़ रेट है इंडिया गेट बासमती राइस का। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था कि खलिहान में अभी बहुत ज़्यादा सेल चल रहा है, जल्दी से ऐप इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इनके सेल का फ़ायदा उठाइए। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रॉसरीज, सब कुछ आपके घर पर डिलीवर होगा एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और अभी तो एक्स्ट्रा ऑफ़र आपके लिए है, सेल चल रहा है, राखी आ रहा है। अगर आपको नेचुरल राखी चाहिए जो कि नेचुरल थ्रेड से बनता है, कोई चाइनीज़ राखी नहीं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रूट चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं, और 100 रुपये में 5 किलो आटा, अब क्या चाहिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट चाहिए राखी के लिए वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, जल्दी से ऐप को चेक कीजिए। तो इधर हमारा चिकन देहाती आ चुका है, और ये क्वांटिटी देखिए और चिकन का लुक देखिए, बिल्कुल फ्रेश बनाया गया है, बहुत प्यार से बनाया गया है इस चिकन को, और बहुत कम टाइम में ये रेडी हो चुका है। एकदम कोयले के आँच पर पूरी तरह से अच्छे से इसे भूंज भूंज कर तैयार किया गया है। और 450 रुपीज़ में अगर आप आते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसका डबल क्वांटिटी मिलने वाला है, क्योंकि ये 700 ग्राम्स का चिकन था। यूजुअली ये लोग 1 किलो 300 ग्राम के अप्रॉक्स का चिकन देते हैं, तो उस हिसाब से जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगा 450 रुपीज़ में। तो 450 रुपीज़ में अगर इसका डबल क्वांटिटी मिलता है इस एम्बियंस के साथ, खुले में आराम से बैठिए, पीछे का लुक देखिए, एकदम गांव वाला फील आएगा, शांतिपूर्ण जगह है। ये सब तो एम्बियंस का और लुक का बात हुआ, अब हम लोग आते हैं सीधे टेस्ट पे। तो जल्दी से किया जाए टेस्टिंग। ये तवा रोटी है, 5 रुपये रेट है तवा रोटी का, और ये इंडिया गेट का बासमती राइस, 50 रुपये का बासमती राइस है। तो सबसे पहले एक तवा रोटी लिया जाए, इधर सलाद लिया जाए, और ये चिकन जो है ये लुक वाइज देख के ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। जिस तरीके से बनाए हैं, जैसा मेकिंग वगैरह हम देखे हैं, देख के ही लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा। लेग पीस ढूंढा जाए सबसे पहले, लेग पीस कहाँ छुपा हुआ है? हाँ, तो ये देखिए, चूँकि छोटे साइज़ का चिकन था तो लेग पीस भी ऑब्वियसली छोटे साइज़ का ही है। ये आ गया एक कलेजी, और लटपट जैसा है, बहुत पतला ग्रेवी वाला सीन नहीं है। अब ट्राई किया जाए इस चिकन को तवा रोटी के साथ। ये देखिए, गर्मा गर्म चिकन और लेग पीस। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया,
इतने जल्दी चिकन बनाया, स्टिल चिकन छोटे साइज का था, बहुत जल्दी पक गया और बहुत सॉफ्ट हो गया। बहुत ही सॉफ्ट चिकन, मसाला जो है कोई बहुत ज़्यादा फैंसी मसाला या बहुत कुछ नहीं यूज़ किया गया, सिंपल जीरा धनिया हल्दी नमक मिर्च उसी को यूज़ करके बनाया गया है, लेकिन इतने प्यार से इतने देर तक मेहनत के साथ भूंज भूंज के बनाया गया है, असली स्वाद उससे आ रहा है, कोयले के आँच पर बनाया गया है। बहुत ही हाईली इम्प्रेस्ड है इस चिकन से। कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, प्री प्लान कुछ भी नहीं था, रैंडमली क्रॉस कर रहे थे नज़र पर और एक दो लोग बताए थे इस जगह के बारे में, रुके बात किए, फ्रेश चिकन मंगवाया गया बनाया गया और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे। मतलब बिहार शरीफ से वापस जा रहे हैं, ये पूरा ट्रिप इस चिकन के वजह से ही टोटली सक्सेसफुल हुआ, ये नहीं होता तो ट्रिप अधूरा रहता। और अगर आपको चिकन खाने का मन नहीं है तो पनीर का ऑप्शन भी है वेजिटेरियंस के लिए, ये है पनीर मसाला, ये देखिए ये पनीर मसाला है यहाँ का। अगर आपको वेज खाना है तो वेज भी खा सकते हैं, बट अगर नॉन वेज खाते हैं तो चिकन खाइए, चिकन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है। बहुत लोग पूछते थे कोई बढ़िया चिकन का ऑप्शन बताने, पटना के आसपास अगर लॉन्ग ड्राइव पर आकर चिकन खाना है बेस्ट ऑप्शन है, आइए सामने चिकन पकड़वाइए, फ्रेश बनवाइए और खाइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, बात करके आप पहुंच सकते हैं, सिंपल सा लोकेशन है, पटना से बख्तियारपुर ममता रेस्टोरेंट के पास जाइएगा, ऑन द वे पड़ता है। कोशिश करेंगे कि जो एग्जैक्ट लोकेशन है आसपास का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें। Few moments later. सोच के तो हम लोग आए थे कि बस एक पीस ट्राई करेंगे, लेकिन इधर आप ट्रे देखिए, वीडियो को वहीं से कट कर दिया गया क्योंकि खाने में बिजी हो गया, और ट्रे देखिए पूरा चिकन खाली हो गया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिकन कितना ज़्यादा अच्छा लगा। प्लेट वैसे देखने लायक है नहीं, तो कैमरा ऊपर कर दीजिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिकन कितना ज़्यादा अच्छा लगा, और मतलब रेटिंग्स की अगर बात करें तो 10 out of 10, हाईली रिकमेंडेड जगह है। कभी भी मन करे लॉन्ग ड्राइव पर निकल के आने का, सिर्फ चिकन खाने के लिए भी आप इस जगह पर आ सकते हैं, वर्थ है। आने से पहले एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि इतने डिस्टेंस आए और नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ मटन भी अवेलेबल है, फिश भी है, चिकन भी है। लास्ट बाइट लेते हैं, ख़त्म करते हैं वीडियो को, चिकन भी पूरा साफ़ हो गया है। प्लान था कि बस दो पीस खा के टेस्ट बताना, बट इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि पूरा चिकन खा गया, तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।